Hello viewers welcome back to my channel in today's video we are going to discuss a very beautiful poem written by one of my favorite William Shakespeare and the title of the poem is all the world is a stage so before going to start the poem let's start with the introduction of the greatest playwright William Shakespeare William Shakespeare born in 1564 and died in 1616 was an english poet Playwright and actor, also widely regarded as the greatest writer in the English language. His most famous five tragedies and 154 sonnets, also. So, world's prominent dram dramatist, he is known as a bard of Avon, also. He is often called England's national poet. So, today's poem is taken from his one of the drama. And the title of the drama is As You Like It. Here he compare the world oh no. to stage, where the drama of human life is enacted. तो so, ये जो आज की पोएम है उनकी एक फेमस ड्रामा से ली गई है प्ले से ली गई है जिसका टाइटल है एज यू लाइक इट तो आज की जो ये पोएम है यह शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर इस पोएम में कंपेयर करते वर्ल्ड को वर्ल्ड टू अटेज वेयर द ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इनैक्टेड इंसान की जिंदगी क्या है तो एक स्टेज है जहाँ वो ऊपर वाला हमें भेजता है एंड एवरी वन हैव टू प्ले देयर ओन रोल ओके सो द सेवन एजिस इज टोल्ड बाई विलियम शेक्सपियर इन दिस पोएम सो विदाउट फर्दर डिले लेट स्टार्ट ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज ये पूरी दुनिया एक क्या है रंगमंच है एक स्टेज है एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स और मैन एंड वीमेन क्या है मेयरली प्लेयर्स है दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस उनका जाना भी तय है उनका आना भी तय है एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स और एक जो इंसान है वो अपना रोल बहुत पार्ट्स में एक्ट करता है प्ले करता है जैसे कोई किसी का भाई है हजबेंड है या कोई लड़की है तो वो किसी की बहू है बेटी है बहन है वी आर प्लेइंग द मल्टीपल रोल्स एंड हिज एक्ट्स बींग सेवन एजेस या हमारा जो एक इंसान इन, का हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारी जिंदगी कितने एजेस से गुजरती है तो सेवन एजेस से गुजरती है एट फर्स्ट जो हमारा स्टेज है वो शेक्सपियर बताते हैं इट इज़ द इन्फंट न्यू बॉर्न बेबी मेअलिंग एंड पकिंग इन द नर्म्स नर्स आर्म्स मेवलिंग एंड पकििंग ऑफ नर्म्स नर्स आर्म ओके सो हीयर इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन बींग तो शेक्सपियर कहते हैं कि इंसान का जो पहला स्टेज है वो है एज अ न्यूबॉर्न बेबी इन्फन बेबी जो नर्स के आर्म में पकििंगी मेवलिंग गी आ जाता है या थ्रोइंग अप वोमेटिंग जैसे आया हो निकला हो ओके okay? Then, the winning school school boy with his satchel and shining morning face creeping like snail now the next stage is that second is a school boy ki है है ना जैसे वो अनविलिंगली जबरदस्ती रोते हुए स्नेल की तरह एकदम क्रिपिंगली धीरे धीरे अनविलिंगली गोइंग टू स्कूल ऐसे स्कूल बॉय के हमारी सेकेंड जैसे याद करो जब हम स्कूल पहली बार इट्स नॉट एवरी वन बट सम आर गोइंग अनविलिंगली टू स्कूल ओके

देन आईब्रो देन अ सोल्जर एंड आफ्टर द लवर सो पहली स्टेज जो है इन्फेंट बेबी के हैं दूसरा एक स्कूल बॉय जो अनविलिंगली स्कूल जा रहा है तीसरा जो एज है इंसान का वो है एज अ लवर देन एज अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स बियरडेड लाइक द पार्ड है ना एक लेपर्ड की तरह पोइटिकल uh, शॉर्ट फॉर्म uh, लेपड़ जैसे लग रहा हो पार्ड इट इज़ अ पोइटिकल शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेपर्ट ओके लेपर्ट को शॉर्ट फॉर्म में पार्ट कहा गया है तो एज अ सोल्जर की तरह उभरता है जैसे कस्में खा रहा है वादे कर रहा है, है ना जलेस इन ऑनर सडन एंड क्विक इन कॉरल सीकिंग द बबल रेप्युटेशन सो दिस इज हाउ द पर्सन एज अ सोल्जर इट इज़ अ नेक्स्ट स्टेज ऑफ अ ह्यूमन बींग इवन इन द कैन माउथ तोफ के मुंह में भी जाने को जैसे तैयार है कोई भी रिस्क उठाने को तैयार है शॉर्ट टेम्पर हो जाता है इंसान एंड द जस्ट एंड हंगरी फॉर द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विद द गुड कपून लाइन एंड जब ये सोल्जर की स्टेज जाती है जैसे सोल सोल्जर की स्टेज में बीय आना शुरू हो जाता है लेपड़ की तरह वो उसकी शख्सियत है वो आगे जाके कौन से स्टेज में बदल जाती है देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली मोटूसा ऐसा पेट बन जाता है विद द गुड कपून लाइन विद द एक्सेस फैट उसके बॉडी पर आ जाता है केयरलेस ईटिंग हैबिट्स उसकी बन जाती है विद द आईज Severe and bared of formal curt and full of wise saws and moral instances. So, uh, William Shakespeare here is uh, trying to uh, say that the how human being passes from one stage to another stage and how uh, he changed after the soldier stage. He became a middle age man and uh, uh, with his uh, uh, fair round belly, who age. Mein, केयरलेस बन जाते हैं ईटिंग हैबिट्स उसकी बदल रही है वो फैट बन जाता है इन द फिफ्थ स्टेज आफ्टर इन दिक्कत नेक्स्ट इन दिक्कत एज शिफ्ट इन टू द लीन एंड स्लीपर पेंटिलून और जैसे ही वो छटे सिक्स एज में चला जाता है स्टेज में चला जाता है तो एक दुबला पतला लीन पेंटिलून पत, इंसान वो बन जाता है सॉज फुल ऑफ वॉइस सॉज सॉज मिस सेंग बहुत सारे मीनिंग फुल वॉइज ऐसे एडवाइस देता फिरता है मीनिंगफुल uh, बातें करता है ओके सो विद दिस स्पेक्टिकल ऑन हिज नोज उसके नाक पे स्पेक्टिकल्स आ गए हैं एंड पाउच ऑन साइड और बाजू में पाउच मतलब एक स्किन है ना लूज पड़ती है वैसे पाउच बन रहे हैं उसके ऐसा एकदम मिडल एज मैन वो अपनी uh, बूढ़ा होता जाता है विद दिस हैविंग स्पेक्टिकल्स हिज यूथफुल होस वेल सेव्ड एंड वर्ल्ड टू वाइड सो यूथफुल होस्ट क्लोज फिटिंग कवरिंग फॉर लेग्स ओके फॉर इज श्रंक शांक एंड इज़ बिग मैनली वॉयस उसकी बेंग मैनली वॉइस जो है शंक शंक हो जाती है लेग्स नीज टू एंकल भी उसके श्रंकिन हो जाते हैं टर्निंग अगेन टूअर्स चाइल्ड और इंसान वापस से एक बच्चा की स्टेज में या बच्चे की तरह बन जाता है ट्रेबल बन जाता है वॉट इज़ ट्रेबल थ्री टाइम्स वीकर दैन द एंगर ने जब वो जवान था यंग था तब जितना था उससे थ्री टाइम वीकर वो इस एज में आ, सीनियर सिटीजन एज में इंसान पहुंच जाता है एंड विसल इट इज़ अ साउंड लास्ट सीन ऑफ और मुश्किल से उसकी आवाज़ विसलिंग जैसे निकलती है दैट एंड इन स्टेज इवेंटफुल हिस्ट्री इज़ अ सेकेंड चाइल्डनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन और उसकी सेकेंड चाइल्डनेस आ जाती है इंसान ऑब्लिवियन बनता है द स्टेट ऑफ माइंड अनअवेयर और अनकॉन्शियस ऑफ सराउंडिंग एंड हैपनिंग्स आजू बाजू में जो हो रहा है उसके अनअवेयर अनकॉन्शियस से उसकी कंडीशन हो जाती है ऑब्लियन बन जाता है सैंस टित सेंस इट मीन्स विदाउट विदाउट टिथ है ना जैसे हम बूढ़े होते हैं तो हमारे दाँत गिरने लगते हैं हमारी नज़र कमज़ोर होती है सेंस आइज सेंस टेस्ट हम भी टेस्टलेस हो जाते हैं बूढ़े लोगों को देखो ना सही से वो कुछ खा पाते हैं सेंस एवरीथिंग थिंग उसके आँखों से सब कुछ वैनिश हो रहा था जैसे हम छोटे बेबी हैं तब हमारे दांत नहीं रहते वैसे जब बूढ़े होते हैं तो उसके दांत नहीं रहते बच्चों की तरह जिद्दी बन जाते हैं बूढ़े लोग एज लाइक दैट जैसे जैसे हम सीनियर सिटीजन के एज में पहुँचता है इंसान तो वो चाइल्डनेस बन जाता है सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर डिस्क्राइब बाय द विलियम शेक्सपियर सो हियर द रीड द वर्ड इन गिवन क्लाउड एंड मैच देम विद द ईच अदर नाउ स्टेज स्टेज इज़ कम्पेयर टू द लाइफ हियर इन दिस पोएम कैरेक्टर्स आर कम्पेयर टू द दैट रोल प्लेड बाय द ह्यूमन बींग्स स्क्रिप्ट इज़ कम्पेयर टू द स्टोरी ऑफ लाइफ डायलॉग्स आर कम्पेयर टू द कन्वर्सेशन बिटवीन द ह्यूमन बीइंग्स, एंट्री इट मीन्स द बर्थ ऑफ ह्यूमन एंड एग्जिट मीन्स द डेथ, ओके सो हियर द एजेस ऑफ मैन एंड रोल एंड क्वालिटीज़ आर गिवन टेक द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट एज इन्फंट एज हम लेते हैं तो वहाँ पर आ जाएगा इन्फंट एज uh, रोल में और उसकी क्वालिटी एक्शन इन्फंट एज में जैसे वो पकििंग इन द नर्स आम लाइक दैट आपको इसके आंसर्स लिखने हैं हियर आर सम अदर क्वेश्चन आल्सो रिगार्डिंग इट डू एज लाइक अ होमवर्क बी वॉचिंग माई वीडियोज एंड इफ यू आर लाइक इट देन लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल